आरएसएस का साथ दे रहे हैं वो नामर्द लोग हैं, वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। और ईवीएम के सहारे ये सरकार जो है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसलिए ईवीएम पे प्रतिबंध लगना चाहिए। नौकरियों को ठेकेदारी में सभी कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो मनुवाद की तैयारी और दूसरी तरफ तुम्हारे कमर तोड़ने का प्रयास, कुल मिलाकर हम सब लोगों को गुलाम बनाकर ये अपने चुंगल में रखना चाहते हैं कि आज का जो शासन है वो शासन तानाशाह है। एससी एसटी ओबीसी अगर आप मिलकर नहीं चले तो निश्चित जान लीजिए कि आपको गुलामी के दौर में धकेला जाएगा। इस देश में 16% लोग वो हम पर शासन कर रहे हैं और हम लोग भेड़ों बकरियों में कर रहे हैं, उनके सामने अपने आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, ये धिक्कार है। वो देखा था ट्रेन में बात करते हुए, मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, वो आपस में बात कर रहे थे, मैं लेटा हुआ था आराम से, उन्हें पता था शायद ये 16 होगा, कुछ 3-10-15 लोग थे वो पूरे डब्बे में रहते, वो बात कर रहे थे बैठते कि भाई अब वहाँ जाके हमें ये काम करना है, ये हमारे बिना कौन करेगा ये काम, ये तो बहुत जरूरी है। नया मशीन में चेंजिंग कर दिए, दूसरा कुछ कुछ काम के लिए गए लोग जा रहे थे कहीं चुनाव में, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन हुआ दिन से कि हाँ इसमें जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ईवीएम के सहारे ये सरकार जो है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसलिए ईवीएम पे प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों, ठेकेदारी प्रथा निजीकरण क्या है? ठेकेदारी प्रथा इस देश में दबे कुचले लोगों को और दबाने का और बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा सोची समझे चाल है, ये तरीका है। क्योंकि जिस देश को, समाज को, प्रांत को या समाज को गुलाम बनाना हो तो उसकी आर्थिक कमर पहले तोड़ दो। और ये ठेकेदारी प्रथा हम लोगों की, बहुसंख्यक समाज की कमर तोड़ने के लिए हथियार है। क्योंकि आप जानते हैं इस भारत देश में यही वो तबका है जो जमीन जायदाद से, संपत्ति से वंचित है और भूमिहीन है। जो लोग बड़े बड़े जमींदार हैं, भूमि जिनके पास में है वो तो सैनिका है इस देश के, लेकिन भूमि इनके पास में केवल कुल मिला के एक ही आसरा रहता है, रोजगार का, नौकरी का। और नौकरी तमाम संस्थाएं बड़े बेइज्जती नौकरियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि करना क्या चाहते हैं ये। एक तरफ तो मनुवाद की तैयारी और दूसरी तरफ तुम्हारे कमर तोड़ने का प्रयास, कुल मिलाकर हम सब लोगों को गुलाम बनाकर ये अपने चुंगल में रखना चाहते हैं, अपना राज करना चाहते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आज का जो शासन है वो शासन तानाशाह है। मैं ये भी कहता कि हमें बहुत सारी सरकारों के टाइम में हमें पहले बड़ा न्याय मिला है, लेकिन एक बात जरूर मैं ठोक के कह सकता हूं कि जितना अन्याय, अत्याचार, बदसलूकी हमें अब सहनी पड़ रही है, शायद इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था, ये हमें देखना पड़ेगा। कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है, मैं भी उसी में, क्योंकि समय कम दिया है 2-3 मिनट का, मैं भी अपने आप को उनके साथ जोड़ता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब यहां बोल के गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हमारे बघेल साहब जो आए थे मध्य प्रदेश से बोल गए, बहुत अच्छा लगा। भाई हमारे मुस्लिम भाई जहां खड़े से बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं और यही कहना चाहता हूं दोस्तों, वास्तव में अगर आप एससी एसटी ओबीसी अगर आप मिलकर नहीं चले तो निश्चित जान लीजिए कि आपको गुलामी के दौर में धकेला जाएगा और आप जाकर भी कुछ बोल नहीं पाओगे, आपको मारा जाएगा, लेकिन आपको रोने भी नहीं दिया जाएगा, मैं कहना चाहता हूं आपसे। इसलिए आप बेहतर होगा, समय रहते आप समझ जाएंगे, एकजुटता से काम करेंगे,
सही कहा है, इस देश में 16% लोग वो हम पर शासन कर रहे हैं और हम लोग भेड़ों बकरियों में कर रहे हैं, उनके सामने अपने आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, ये धिक्कार है। मैं तो इस बात को कहनी चाहता हूं इस मंच से कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग इन पर मुकदमा कर देना चाहे, जो आज भाजपा आरएसएस का साथ दे रहे हैं वो नामर्द लोग हैं, वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। इसलिए हमारे समाज का, मजदूरों का, गरीबों का, बहुसंख्यक समाज का वही प्रतिनिधि हो सकता है जो ठोक करके इनके साथ खड़ा हो और इनकी नुमाइंदगी करे, इनके साथ रहे, उस तरफ देखेंगे। लेकिन सत्ता के लालची कुछ लोग अपने आप को बदल देते हैं, जमीन को बदल देते हैं, इससे गिरी झिझोनी कोई बात नहीं हो सकती। मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं वकील साहब हमेशा आपके साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा, यह समय वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सिंह, जय भारत। आज तो हम लोग उठाए, हम लोगों ने उठाने का प्रयास भी किया है, उठाया हुआ है, लेकिन संसद का हाल ये है कि सदन के अंदर जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम लोगों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती, उसके बाद जो बोलने का प्रयास करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बोलने का प्रयास करते हैं तो प्रोसीडिंग नहीं लिखी जाती, बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बोलने का प्रयास करते हैं तो सदन से निलंबित कर दिया जाता है, सदन में भाग नहीं लेने दिया जाता। आज उन 11 सांसदों में मैं जो हूँ जो निलंबित है, और इस सत्र के लिए नहीं जो सत्र बीत गया, बाकी का बहाल हो गया, हम 11 लोगों का अगला जो सत्र आएगा उसके लिए भी वो अयोग्य है, प्रिविलेज मोशन विशेषाधिकार समिति को दे दिया गया है और उसमें 2 साल के सजा तक का भी प्रावधान है। देखिए क्या सरकार करती है। कहने का मतलब ये कि आपके प्रतिनिधियों के साथ भी जो नहीं उठाते वह ठीक है, लेकिन जो उठाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है उस बात को भी जनता को जानना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो लोग बैठे हैं अधिकांश लोग, हमें यहाँ तक गलत हो सकता है कि ये सेना नहीं बन सकते, ये सेना नायक हो सकते हैं, सेना नायक होकर के सेना बना सकते हैं वो, लेकिन सेना नहीं हो सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि आप सेना बनाने का प्रयास करें, जब तक समर्पित सेना नहीं होगी तब तक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और आज किसका साथ दे, किस विधायक का साथ में जाए, ये सारी चीजों के बुनियाद में केवल एक ही बात है कि जागरूकता, और जागरूकता का मतलब है पहचानना। हमने सबसे बड़ा संकट है कि हमारा कौन है, दलितों का, पिछड़ों का कौन ही पशु है, ये हम पहचान नहीं पाते। हमारी पहचान करने का तरीका जाति हो गया है, हमारी पहचान करने का तरीका पैसा हो गया है, हमारी पहचान का तरीका संसाधन हो गया है। अगर जात, संसाधन और धर्म के आधार पर पहचान करने का प्रयास करेंगे तो इसी तरह से लिखते रहेंगे, हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा। हमें आपको पहचान करना पड़ेगा कि हमारा कौन है, जो विचारधारा से हमारा है, जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, जो हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कर सकता है वो हमारा है। जिस दिन ये पहचान करने का तरीका बदल जाएगा, हम लोगों को मालूम हो जाएगा अपना कौन है, पराया कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं होगी, और ये सारे मुद्दे लड़ाई हमारी आसान हो जाएगी। तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, और जो मुद्दे हैं सब जानते हैं, चाहे जाप जनगणना का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम मशीन का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं जो हमारे जागरूकता से जुड़े हुए हैं। तो एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आइए हम सब लोग संकल्प लें, जाति के लिए नहीं संकल्प लेने की जरूरत है, समाज के लिए नहीं है, जरूरत इस बात की है कि ये जो 90 फोड़े तरवीर समाज है वही हमारे देश की ताकत है, वही हमारे देश का भविष्य है। अगर इनके मनोबल कमजोर होगा, अगर इनके हक उपचार बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रजातंत्र की जो धारणा है, हमारे पूर्वजों ने विश्वास और विश्वास के साथ में देश की आजादी में कुर्बानी देकर के
जो हमारे राष्ट्र भविष्य हमारे हाथों में सौंपा है उनके कल्पनाओं के अनुरूप भारत का निर्माण नहीं होगा। इसलिए जो वो व्यक्त है कि अगर हम अपने पूर्वजों के इतिहास को अनुरूप करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, अगर हम प्रजातंत्र में जो हमें अधिकार मिला है राजा बनाने का, सरकार बनाने का, अगर इसे बचाए रखना चाहते हैं, संविधान को बचाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसकी लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई सेना तैयार करके हम लड़ सकते हैं। तो आइए हम इस समय चिंतन करें, मनन करें और सब प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हम ये भी प्रयास करें कि इस चीजों को जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को हम गाँव तक ले जाए, पोलिंग बूथ तक ये चर्चा को ले जाए, क्योंकि सेना वहीं से तैयार होगी, वहां से तैयार नहीं होगी। राम भी जब गए थे और आजादी की लड़ाई का हमारा इतिहास है, आजादी की लड़ाई 100 साल तक चलती रही, हमारे नेता लोग लड़ते रहे, लेकिन सफलता कहीं मिली साथ थे जब हमारे देश के जंगल में ये भावना जग गई, सम्मान और सम्मान की भावना जग गई और सेना बन गए। उन्होंने रोटी को फकवा दिया, सम्मान और सम्मान को गले लगाया, तभी हमें विजय मिली है। तो आइए हम दिशा में सब मिल करके सामूहिक रूप से प्रयास करें, कोशिश करें, निश्चित रूप से सफलता हमारा करण चुकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।